वेयरहाउस के मैनेजर ने किसानों व्यापारियों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की है। मैनेजर ने किसानों और व्यापारियों से लाखों रुपए उधार लिए और जब उधारी नहीं चुका पाया तो फर्जी पर्ची बनाकर किसानों और व्यापारियों के नाम से रसीद काट दी। धोखाधड़ी का ये मामला कटनी का है, जहां थाना प्रभारी अरविंद जैन ने बताया कि महादेव वेयर हाउस के मालिक प्रेमशंकर राय ने अपने मैनेजर राजेश मोटवानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रेमशंकर राय ने बताया कि राजेश ने पहले लोगों से लाखों रुपए उधार ले लिया, जब वह उधारी नहीं चुका पाया तो उसने धोखाधड़ी की योजना बनाते हुए 1,23,00,000 रुपए की फर्जी पर्ची 30 किसानों और व्यापारियों के नाम पर काट दी, जबकि अनाज वेयर हाउस में आया ही नहीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पहले इनको शिकायत मिलने पर इनने वेयर हाउस के पूरे अनाज और उसकी जो रसीदें रहती हैं उसका मिलान किया तो उन्होंने पाया कि राजेश मोटियानी द्वारा बहुत ज्यादा कर्जे में होने के कारण लोगों से उधारी चुकाने के लिए बिना हम अनाज जमा किए करीब 30 लोगों की से फर्जी रसीदें देकर उसे धन प्राप्त कर लिया गया है, जो करीब 1,23,00,000 रुपए की पर्चियां राजेश मोटियानी द्वारा देना पाया गया है। उक्त रिपोर्ट पर वेयर हाउस के मैनेजर राजेश मोटियानी के विरुद्ध धारा 406, धारा 407, 420, 467, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीकृत किया जाकर आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर में तलाशी दी जाकर महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और अभी हाल में वेयर हाउस को सील बंद कर दिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।